तो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं पलंग तोड़ केयर टेकर सीजन 3। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बीमार बुढ़े आदमी से जो बेड पर लेटे हुए होते हैं और डॉक्टर साहब इनका इलाज कर रहे होते हैं। फिर डॉक्टर साहब इनके लड़के सचिन को बताते हैं कि अब बाबूजी को इलाज की नहीं एक केयर टेकर की जरूरत है। फिर डॉक्टर साहब इनको कुछ दवाइयां देकर यहां से चले जाते हैं। अब सचिन अपने बाबूजी को बताता है कि मैं एक ऐसी केयर टेकर को जानता हूं जो आपकी अच्छे से सेवा कर सकती है। और सचिन जिस केयर टेकर के बारे में बात करता है वो अपनी इसकी गर्लफ्रेंड होती है। पम्मी यानी बाबूजी की केयर टेकर अगले दिन इनके घर पर आ जाती है और सचिन अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर काफी खुश होता है। पम्मी को देखकर बाबूजी की जवानी बुढ़ापे में उफान मारना शुरू कर देती है और बाबूजी मन में सोचते हैं कि ये लड़की तो मजा देने वाली है। अब रात को पम्मी बाबूजी की मालिश कर रही होती है तो बाबूजी आपे से बाहर होकर पम्मी के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। पम्मी बाबूजी पर भड़क उठती है और यहां से चली जाती है और बाबूजी का दिमाग खराब हो जाता है। अब सुबह को पम्मी बाबूजी के लिए ग्रीन टी बनाकर लेकर आती है और इनको ग्रीन टी पीने के लिए बोलती है, लेकिन बाबूजी ग्रीन टी पीने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि ये दूध पीते हैं। अब पम्मी बाबूजी को बताती है लेकिन आज से आपको ग्रीन टी ही पीनी होगी क्योंकि ग्रीन टी पीने से आपके शरीर के अंदर काफी एनर्जी आएगी जिससे आप काफी समय तक मेहनत कर पाओगे। अब बाबूजी धीरे धीरे इसके पॉइंट समझ रहे होते हैं। फिर बाबूजी जानबूझकर इसकी साड़ी पर ग्रीन टी डाल देते हैं। अब पम्मी अपनी साड़ी को धोने के लिए वॉशरूम में आती है और यहाँ पर भी बाबूजी इसको चोरी छुपे देखने लग जाते हैं। पम्मी की जवानी को देखकर बाबूजी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने औजार पर हाथ रख देते हैं। अब पम्मी वॉशरूम से बाहर निकलकर आती है तो इसका बॉयफ्रेंड सचिन इसको पकड़ लेता है और इसके साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। फिर बाबूजी पम्मी को किसी काम के लिए बोलते हैं और यहाँ पर सचिन का दिमाग खराब हो जाता है। अब रात को सचिन की वाइफ सेक्सी कपड़े पहनकर बेडरूम में आती है और इसको अपनी भूख शांत करने के लिए बोलती है तो सचिन बोलता है कि आज मेरा मूड नहीं है। तो ये अपने हस्बैंड पर भड़क उठती है और इसको बोलती है कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो तुम मुझ पर रोज टूट के पड़ते थे लेकिन आजकल तुम रोमांस करने का नाम ही नहीं लेते, मुझको लगता है कि तुमको कोई दूसरी मिल गई है। अब रात को ये दोनों सो जाते हैं। अब सचिन मौका देखते ही पम्मी के कमरे में आ जाता है जिसमें कि बाबूजी भी सो रहे होते हैं और यहाँ पर ये पम्मी के साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। बाबूजी को कुछ सेक्सी आवाजें सुनाई देती हैं तो ये देखते हैं कि इसका लौंडा पम्मी के साथ धकापेल कर रहा है और इन दोनों को रोमांस करते देख ये भी हाथ से हिलाना शुरू कर देते हैं और पार्ट वन यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो क्या होगा अगले इसके पार्ट टू में, क्या बाबूजी पम्मी को ठोक पाते हैं या नहीं, ये तो इसके पार्ट टू में ही पता चलेगा। और दोस्तों इसका पार्ट टू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। और फाइनली इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।